दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली BTS को बहुत ही सारी शॉप्स या फिर बहुत ही सारी पोस्टर्स में देखा जा सकता है और पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत ही सारी क्लिप्स और फोटोज वायरल हुई हैं जहां पर कभी BTS को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर देखा गया या फिर किसी की गाड़ी के पीछे पोस्टर में। हालांकि दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ ही वक्त पहले BTS के मेंबर वी को एक चाय की छोटी सी टपरी के बाहर पोस्टर में देखा गया, जिसको देखने के बाद आर्मीज बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी और उनका मानना था कि इस चाय वाले के वहाँ तो बहुत ही सारे लोग आते होंगे और आर्मीज को ऐसा भी लगता है कि इसको कभी भी कस्टमर्स की कमी भी नहीं होती होगी। तो दोस्तों एक्चुअली जब ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी थी तो काफ़ी सारे आर्मीज ने इसको शेयर किया और काफ़ी सारे आर्मीज का बोलना था कि ऐसी शॉप्स अगर हो तो वो हर दिन चाय पीने जाएंगी। दोस्तों यही नहीं बल्कि ये फ़ोटो ट्विटर पर बहुत ही ट्रेंड करने लगी थी और काफ़ी सारी आर्मीज ने इसके बारे में ट्वीट करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत ही सारे आर्मीज को इसको देखकर लग रहा था कि ये शॉप इंडिया की है, क्योंकि दोस्तों इसको देखने से ऐसा लग रहा था क्योंकि इंडिया में बहुत ही सारी ऐसी छोटी छोटी चाय के ठेले होते हैं और बहुत ही सारे लोग इस तरह की चाय की शॉप्स भी इंडिया में लगाते हैं। हालांकि दोस्तों बाद में पता चला कि बहुत ही सारे आर्मीज का कहना था कि एक्चुअली में ये जो फोटो है ये इंडिया की नहीं है बल्कि इंडोनेशिया की है। लेकिन दोस्तों अभी भी इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि इस फोटो के आसपास कोई भी डेस्टिनेशन या फिर कोई भी कंट्री का नाम या फिर कुछ भी ऐसा विजिबल नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके जस्ट बगल में एक बहुत ही छोटा सा पोस्टर है जो क्रॉप्ड है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसे देखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंग्लिश लिखी है या फिर किसी और कंट्री की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दोस्तों साथ ही साथ इस फोटो में जो चाय के स्टॉल का ओनर बैठा हुआ है उसके मुंह पे भी एक इमोजी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम उनको देखकर भी नहीं बता सकते कि आखिर ये इंडिया के हैं या फिर किसी बाहर कंट्री के हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी ये फोटो देखी है तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये इंडिया की है या फिर इंडिया के बाहर की है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।